Hello friends, I am privileged for your enormous love and support, and in this video you gonna watch most amazing and random fact video only on hashtag facts. So let's learn, grow and shine together. So let's get started. दोस्तों, ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को और हमारे चारों ओर स्वच्छता रखें, जिससे कि हमारा देश साफ सुथरा रहे। पर दोस्तों, कुछ इसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक प्लेस में जहाँ पे साइन बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, वो वहीं पे ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए दोस्तों, जर्मन के हमवर्क सिटी में पब्लिक वॉल पर हाइड्रोफोबिक पेंट किया गया है। इस पेंट की ये खासियत होती है दोस्तों, जैसे ही कोई पर्सन अगर वॉल पे पी करने की कोशिश करता है तो ये उस पर्सन पे ही बैक रिफ्लेक्ट हो जाती है और उनके कपड़े या तो जूते गंदे हो जाते हैं। दोस्तों, हम खाना बनाने के लिए या तो LPG सिलेंडर का यूज़ करते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली किसी ओवन का यूज़ करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने दुनिया के एकमात्र ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जहाँ पे खाना बनाने के लिए इन सब का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि लाइव वॉल्केनो के फायर का यूज़ किया जाता है। दुनिया के एकमात्र ज्वालामुखी की आग से खाना बनाने वाले इस रेस्टोरेंट का नाम एल डी एल्बो है, जो कि स्पेन में सिचुएटेड है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों, 450 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस जियोथर्मल एनर्जी का यूज करने के लिए दोस्तों, ग्राउंड से नीचे डेप्थ में होल किया गया है और होल के ऊपर एक कास्ट आयरन की ग्रिल बिछा दी गई है, जिसके के ऊपर खाना बनाया जाता है। दोस्तों, जब कभी भी आप सिंगल लेन में ड्राइव कर रहे होते हैं और आपके सामने बहुत बड़ी गाड़ियां चल रही होती हैं और आपको इमरजेंसी में ओवरटेक करना रहता है, तो दोस्तों यही ड्राइविंग का सबसे ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहां पे कि एक्सीडेंट के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओवरटेक के कारण इन हादसों से बचने के लिए दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने अपना सैमसंग सेफ्टी ट्रक लॉन्च किया है, और ये जो ट्रक है आपको अर्जेंटीना के सड़कों पर दौड़ते हुए देखने को मिल जाएंगी। सैमसंग ने अपने इस सेफ्टी ट्रक में दोस्तों फ्रंट में वायरलेस कैमरा लगाया है, जो कि फ्रंट के व्यू को कैप्चर करके उसी ट्रक के पीछे लगे हुए LCD में डिस्प्ले कर देता है, और जिससे कि ट्रक के पीछे से आने वाले किसी भी ड्राइवर को दोस्तों ट्रक के फ्रंट का व्यू क्लियरली दिखने लगता है और वो आसानी से ओवरटेक कर पाता है। इन सेफ्टी ट्रक की और एक अच्छी बात ये होती है दोस्तों कि इनके जो फ्रंट के कैमरा है वो नाइट विजन इनेबल्ड होते हैं, मतलब ये कि आप LCD की डिस्प्ले को रात में भी बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति में बहुत तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें से कुछ को हम अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, उनकी केयर करते हैं, बट कुछ को देख के हमको डर लगने लगता है, और उनमें से एक है सांप। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सांप को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन खतरनाक जानवरों को अपना शौक समझ के पाल लेते हैं और अपने लाइफ का ज़्यादातर टाइम उन्हीं के साथ बिताते हैं। ऐसी ही कहानी न्यू जर्सी में रहने वाले बिल हॉस्ट की है दोस्तों। उन्होंने अपने 100 ईयर की लाइफ टाइम में दोस्तों इन खतरनाक सांपों के साथ वो रहे और अपने आप को ही सांपों से लगभग 200 से भी ज्यादा बार खुद को ही डसवाया। ये सच में हैरान करने वाली बात है दोस्तों। हॉस्ट ने अलग अलग तरीके के सांपों के जहर को मिला के एक सीरम तैयार किया और वो लगातार 60 सालों तक इसको लेते रहे, और जिससे हॉस्ट का कुछ इम्यून सिस्टम इस तरीके का हो गया दोस्तों कि अगर कोई सांप उनको डस भी लेता था तो उनके जहर से बहुत ज्यादा फर्क उनके बॉडी को नहीं पड़ता था। दोस्तों, लेदर इंडस्ट्री में लेदर को बनाने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट होता ही है, और साथ में ही अगर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल की माने तो दोस्तों, हर साल लेदर प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में जानवरों को ऐसे ही मार दिया जाता है। जानवरों पर क्रुएल्टी कम हो दोस्तों, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को देखते हुए मैक्सिको के 2 पर्सन एड्रिन और मार्टिन ने ऐसा लेदर तैयार किया है जो कि कैक्टस से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कैक्टस, जिसको कि नागफनी के नाम से जाना जाता है, और इससे जो लेदर बनता है दोस्तों, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग लेदर के बराबर होती है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 10 साल तक की होती है। दोस्तों, इसके लिए मार्टिन और उनके दोस्त कैक्टस की खेती करते हैं, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता और ये पूरी तरह एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है।
दोस्तों एग्रीकल्चर की फील्ड में हमारे किसान भाइयों को ये पता होता ही है कि हमारे जो खेत की पैदावार है दोस्तों, वो हमारे खेत की एसिडिटी और एल्केनिटी यानी कि अम्लता या क्षारीयता पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। दोस्तों किसी भी चीज की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं और 7 को न्यूट्रल माना जाता है। अगर किसी चीज का पीएच की वैल्यू जो 0 से 7 के बीच आती है तो इसको एसिडिक समझा जाता है, और अगर ये वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में आता है तो इसको बेस समझा जाता है। इस यूनिक पीएच सेंसिटिव फ्लावर का नाम दोस्तों हाइड्रेंजिया है, जो कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया और हिमालय जैसे रीजन में पाया जाता है। दोस्तों अगर सॉइल की पीएच वैल्यू अगर 6 से कम होती है तो जो कलर होगा फ्लावर का वो ब्लू होगा, और अगर पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच होती है सॉइल की तो जो आपका फ्लावर का कलर होगा वो पर्पल हो जाएगा, और अगर 7 से ज्यादा होती है तो यही जो फ्लावर है आपको पिंक दिखाई देने लगेगा। दोस्तों ये तो आप जानते ही कि Amazon दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट है, और आपने भी कभी ना कभी इससे शॉपिंग किया ही होगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि Amazon अपने लोगो में यूज होने वाले एरो से क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है? Amazon के लोगो को ध्यान से ऑब्जर्व करने पे ये पता चलता है दोस्तों, जो एरो है वो ए से स्टार्ट होके जेड पे एंड होता है और एक स्माइल फेस फॉर्म करता है। तो इससे Amazon ये दिखाना चाहती है कि उनके वेबसाइट पे ए से लेके जेड तक के हर आर्टिकल सामान उपलब्ध है, और कस्टमर के शॉपिंग कर लेने के बाद दोस्तों कस्टमर के हैप्पी मूड और सेटिस्फेक्शन को भी स्माइल के थ्रू दिखाता है। दोस्तों जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं या किसी इमरजेंसी सिचुएशन हमारे हेल्थ को लेके आती है तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है कि हमारी लाइफ सेव कर सके, और इसी वजह से शायद दोस्तों डॉक्टर को भगवान भी कहा जाता है। तो मैं आपको आज एक ऐसे फिजिशियन के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसको की जान के आप हैरान रह जाएंगे। ये ट्रू स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया के एक फिजिशियन डॉक्टर बैरी मार्शल की। दोस्तों उन्होंने अपने रिसर्च से ये पता कर लिया था कि एच पायरोली नामक का जो बैक्टीरिया होता है वो स्टमक अल्सर कॉज करता है, पर दोस्तों उनकी इस बात पे किसी ने भी इनिशियली भरोसा नहीं दिखाया। उस समय उनकी इस थ्योरी को ह्यूमन ट्रायल करना दोस्तों इलीगल था, और इतने ही खतरनाक बैक्टीरिया होने के बावजूद दोस्तों उन्होंने ट्रायल के लिए खुद को चुना और वो इस बैक्टीरिया को पी गए और अपने जान जोखिम में डाल दी। तो अब दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर मार्शल के जो स्टमक में वो अल्सर डेवलप हो जाता है, और उसका जो ट्रीटमेंट वो खुद एंटीबायोटिक से करते हैं और वो बिल्कुल सही भी हो जाते हैं, और इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। फ्रेंड्स फेविक्विक जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। ये प्लास्टिक की मोस्टली चीजों को बहुत ही क्विकली चिपका देती है। पर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि फेविक्विक जिस छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में मिलता है वो अपने ही प्लास्टिक से क्यों नहीं चिपकता है? तो चलिए दोस्तों इस सवाल का जवाब आपको हैशटैग फैक्ट पॉइंट टू पॉइंट देगा। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ऑन कर दे। दोस्तों जो फेविक्विक होता है वो सुपर ग्लू, जिसको कि कॉमनली साइनोएक्रिलेट कहते हैं, और एक कार्बन सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन का मिक्सचर होता है। जैसे ही दोस्तों हम फेविक्विक का यूज खुले एनवायरनमेंट में किसी चीज को चिपकाने के लिए करते हैं तो उसमें जो कार्बन सॉल्वेंट होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है दोस्तों, बट जो साइनोएक्रिलेट नाम का जो सुपर ग्लू होता है वो एक्टिव हो जाता है और ऐसे ही चीजें हमारी चिपक जाती है। और इसी के अपोजिट दोस्तों जब फेविक्विक हमारा बॉटल के अंदर ही रहता है तो जो कार्बन के सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट नहीं हो पाते, तो इसी वजह से जो वो साइनोएक्रिलेट सुपर ग्लू को इनएक्टिव रखता है और वो अपने ही बॉटल से नहीं चिपकती है। दोस्तों आपने मिमिक करके बोलने वाले पक्षियों को तो देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा, पर क्या आपने एक ऐसे पक्षी की प्रजाति के बारे में सुना है जिनके पास सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी है और वो अपने वोकैब का यूज़ करके खुद या तो बोलने लगती है या आपकी वो मिमिक भी कर सकती है? तो सबसे ज़्यादा वोकैब रखने वाली इन पक्षियों की प्रजातियों का नाम बजरीगन है, और इनको प्यार से बजरी पैरट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और इनको ऑस्ट्रेलिया का नेटिव समझा जाता है। इन पक्षियों का वेट 30 से 40 ग्राम होता है दोस्तों, और इनका जो साइज होता है वो 4 से लेकर 6 इंच तक का होता है। इन्हीं प्रजाति में से एक पक्षी के पास दोस्तों 1728 वर्ड की वोकैबुलरी थी, और जिसका नाम पग था, और इसी वजह से इन पक्षियों के जो स्पेसिस को है दोस्तों दुनिया का सबसे एजुकेटेड बर्ड माना जाता है। Hey, I appreciate your patience for watching this video so far. Do like, share and subscribe and hit the bell icon. I will be back in next video. Till then, take care. Bye-bye.